गोवर्धन के पर्व को बड़े पैमाने पर मनाने का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है। कहा है दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। पर्यावरण संरक्षण और कृषि के प्रति समाज की जिम्मेदारी का पर्व है गोवर्धन। हर ब्लॉक में एक गाय को वृंदावन गांव बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम मोहन यादव। कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी मोहले रिया लॉन्च किया। मध्य प्रदेश मना रहा अपना 69वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम, डिप्टी सीएम ने दी सभी लोगों को बधाई। नरसिंहपुर के ब्रह्मकुंड में आयोजित अन्नकूट उत्सव में शामिल हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल। गैर राजनीतिक तौर पर लगातार 42 सालों से परंपरा का हो रहा है निर्वहन। एक बार फिर सुर्खियों में आए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल। बाबू जंडेल के साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने भी जमकर लगाई ठुमके। बच्चों के साथ दिवाली पर जमकर किया डांस। इंदौर में दो पक्षों में विवाद के बाद बवाल। बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पथराव के बाद जलाई गई गाड़ियां, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। डिंडोरी में नजर आया स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृतक की गर्भवती पत्नी से बेड को साफ कराया गया। जानलेवा हमले के बाद अपने पति का इलाज कराने आई थी महिला। इंदौर ने कर दिया कमाल। रातों रात पटाखों का कचरा क्लीन किया। सफाई के साथ प्रदूषण हटाने के भी इंतजाम किए। रात को पटाखे के कचरे का ढेर था जो पूरी तरह से सुबह तक साफ हो गया। नरसिंहपुर के करेली श्री राम मंदिर में गौ पूजन का विशेष आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा भी लिया, जिसमें गौ क्रांति यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर महाराज भी शामिल हुए। छतरपुर खजुराहो में मोनिया नृत्य की धूम। मृतंगेश्वर मंदिर में मोनिया नृत्य की धूम। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है मोनिया डांस। हाथ में मोर पंख लेकर करते हैं डांस। गुना में भील समाज और बंजारा समाज में जमकर चले लाठी डंडे। दो लोग व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिवाली की रात को रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगी। दमकल विभाग ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। दुकानदार को हुआ 19 लाख रुपए का नुकसान। देवास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख की फिरौती कर अपहरण करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। अपहरण करने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। विदिशा में पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। गलती करना पाप है के नारे लगाकर आरोपियों ने मांगी माफी। विदिशा के द्वारकापुरी कॉलोनी में तलवार लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। निवाड़ी की काली माई पहाड़ी पर 11,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया। विधायक अनिल जैन दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। पिछले 40 साल से हो रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। लाहौर में मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हुई। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। गुरुवार को युवक का अंतिम संस्कार किया गया। शहडोल में जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पूर्व महिला पार्षद समेत दोनों बच्चों पर पुलिस ने हमला कर दिया। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व महिला पार्षद ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। सीहोर के लसूड़िया परिहार में सांपों की अदालत। सर्पदंश से पीड़ित मंदिर में कराते हैं इलाज। पेशी के दौरान सांप बताते हैं काटने की वजह। पीड़ित इंसान सांप को परेशान नहीं करने का वचन भी देते हैं। मुरैना में दीपदान कार्यक्रम में सांपों की जिंदगी से खिलवाड़। बड़ी संख्या में पकड़े गए सांपों को कई घंटों तक बनाया गया बंधक। कलाकारों ने सांपों के साथ लंबे वक्त तक की खींचतान। ग्वालियर का दीपोत्सव पर पिछले साल की तुलना में इस बार कम रहा ध्वनि और हवा के प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में शहर के सिटी सेंटर में हवा की स्थिति खराब। क्वालिटी इंडेक्स पर 407 रहा औसत आंकड़ा। ग्वालियर में दीपावली के दूसरे दिन दिखाई दिया सफाई कर्मियों की छुट्टी का असर। बाजारों और सड़कों पर जगह जगह दिखाई दिया कचरा। दीपोत्सव पर आतिशबाजी की गई लेकिन सफाई नहीं हो पाई। इंदौर के गौतमपुरा में मनाया गया हिंगोट पर्व। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले हिंगोट उत्सव में ग्रामीण बने योद्धा। भगवान देव नारायण के दर्शन के बाद एक दूसरे पर हिंगोट फेंक कर निभाई परंपरा। प्रशासन ने कई सुरक्षा के इंतजाम भी किए। झाबुआ में मनाया गया गाय गोरी का पर्व। परंपरा अनुसार गोवंश के पैरों तले रौंदा गया आदिवासी समाज। आदिवासी समाज ने गलतियों के लिए गोवंश से मांगी माफी।
राजधानी भोपाल में दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पर्व की धूम। यादव अहिर समाज ने सजाए गोधन, गोबर से गोवर्धन बनाकर की पूजा। छत्तीसगढ़ की 24वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने जलाए 11,000 दीप। श्रमिकों और सफाई कर्मियों को मिठाइयां भी बांटी। कहा, दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। रायपुर में दीपावली के मौके पर भूपेश बघेल ने भी खाया सोटा। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर साल की तरह सभी अनिष्ट की नाश की कामना लेकर गोरा गोरी पूजन उपरांत वापस आया हूं। शक्ति में प्रसव के बाद नवजात बच्ची की मौत हुई। विरोध करने पर हॉस्पिटल के पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने दिखाया चाकू। परिजनों ने की आरोपी स्वास्थ्य कर्मचारी को निलंबित करने की मांग। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में राज्यपता कैदी के इलाज के दौरान मौत। सीने में दर्द उठने पर जेल प्रबंधन ने अस्पताल में कराया था भर्ती। हत्या के आरोप में केंद्रीय जेल में काट रहा था उम्र कैद की सजा। रायपुर के सकरी गांव में आपसी विवाद के बाद असामाजिक तत्वों ने एक घर में आग लगाई। दो परिवारों पर जानलेवा हमला भी किया गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और सामान में तोड़फोड़ भी की गई। सारंगढ़ में पिकअप पलटने से 25 श्रद्धालु हुए घायल। 25 श्रद्धालु कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बलरामपुर के बबनी गांव में बाघ के पंजे के निशान मिलने से फैली दहशत। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी। वन विभाग पंजों के निशान का परीक्षण कराएगा। राजनंदगांव में बची हुई पूजन सामग्री का संग्रहण करेगी महिला समूह। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अगरबत्ती बनाने में पवित्र फूलों का होगा इस्तेमाल। महिला समूह ने लोगों से की पर्यावरण संरक्षण की अपील। मध्य प्रदेश में नई शुरू होगा सड़क परिवहन निगम। परिवहन निगम के स्थान पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनेगी। 20 सरकारी कंपनियों के हवाले होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डिंडोरी जिले में ट्रिपल इस मर्डर का खुलासा। पिता समेत दो बेटों की हत्या। धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। गाड़ासराय थाना क्षेत्र के लालपुर साहनी की यह पूरी घटना। चित्रकूट दीपावली मेला दीपदान करने उमड़ा श्रद्धालु भक्तों का जन सैलाब। लाखों दीपों से जगमग हुई भगवान श्री राम की पावन कर्म स्थली चित्रकूट। मुरैना में दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की। दबंगों ने सरसों की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। आदिवासी अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचे। मुरैना में दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आधा दर्जन से अधिक खाली खोखे बरामद भी किए गए। फायरिंग का वीडियो वायरल भी हो रहा है। उज्जैन शहर में दीपावली के दौरान आतिशबाजी के बाद एयर पोल्यूशन बढ़ा। कोयला फाटक पर लगे एयर पोल्यूशन बोर्ड पर 151 दर्ज किया गया AQI। आगर मालवा में दीपावली के मौके पर दीपों से जगमगा उठा मां बगलामुखी का प्रांगण। मां का लाल चुनर से किया गया विशेष श्रृंगार। मंदिर परिसर में मनाया गया दीपोत्सव। देवास जिले में पुलिस ने जरूरतमंद बच्चों के बीच जाकर मनाई दिवाली। पटाखे मिठाई और फल पाकर बच्चों में खुशी दिखाई दी। रीवा में दीपावली के मौके पर चली गोलियां। गाड़ी से आए लोगों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में कराया जा रहा इलाज। चित्रकूट में दीपावली के दूसरे दिन लगता है ऐतिहासिक गधों का मेला। फिल्मी सितारों के नाम से बिकते हैं गधे और खच्चर। इस बार लॉरेंस बिश्नोई भी हुआ शामिल। जबलपुर में अनोखे तरीके से की जाती है गोवर्धन पूजा। हर साल गाय को चढ़ाया जाता है चांदी का जेवर। आभूषण से होता है गाय का श्रृंगार। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट का बदला गया डिजाइन। पैकेट पर मंदिर के शिखर की तस्वीर को हटाया गया। अब पैकेट पर दिखेगा महाकाल लोक का नंदी गेट। इंदौर में निजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जान से मारने की कोशिश। आरोपी ने घर में पेट्रोल डालकर आग भी लगाई। हमले में वाइस चांसलर के गार्ड को आई गंभीर चोटें। पत्नी को कॉलेज से निकलने से नाराज था आरोपी। छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने दिवाली के महोत्सव को बनाया खास। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाई दिवाली। फल फूल भेंट कर लिया आशीर्वाद। बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी। गुना में नाराज ग्रामीणों ने रोकी ट्रेन। खजूरी में रेलवे पुलिया का पानी नहीं निकलने के कारण ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को साफ रखने के लिए 7,000 कर्मचारी मैदान में उतरे। नगर निगम ने बड़े स्तर पर चलाया सफाई अभियान। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार लाने के लिए सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव।
विधानसभा थाना क्षेत्र के सकरी गांव में तनाव का माहौल। दीपावली की रात हुआ बड़ा बवाल। आपसी विवाद में भीड़ ने दो परिवारों पर जानलेवा हमला किया। भीड़ ने एक घर में आग भी लगाई। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साहू का बयान सामने आया। बोले, राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है, एक अग्रणी राज्य बन रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाना साय सरकार का विजन है। रायपुर में सुबह निकली गोरा गोरी की झांकी। धूमधाम से निकाली गई झांकी। बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे यात्रा में शामिल हुए। रायगढ़ के घरघोड़ा मार्ग में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 100 एकड़ से ज्यादा की फसलों को हाथियों ने कर दिया है बर्बाद। विरोध में उतरे ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सख्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों के पास से 45 ग्राम सोना बरामद किया गया। बलरामपुर में हिरण का बच्चा जंगल से भटककर गांव में पहुंचा। नन्हे हिरण की पूरी रात ग्रामीणों ने की सुरक्षा। सुबह वन विभाग को दी जानकारी। मौके पर पहुंची टीम ने हिरण को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बिलासपुर में चाकू लहराते पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग। एक दिन पहले आरक्षक पर तानी थी पिस्टल। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। दिवाली के मौके पर इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में किया गया नोटों का विशेष श्रृंगार। 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों से श्रृंगार किया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले इंजीनियर की हुई मौत। 35 वर्षीय इंजीनियर सुदीप पटेल की मौत हुई। कोलार के गणेश एनक्लेव में रहता था युवक। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना। बिलासपुर में कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग ने आरक्षक पर तानी पिस्टल। गोरेला पेंड्रा थाने में पदस्थ आरक्षक रवि शर्मा पर तोरवा क्षेत्र में हुई घटना। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। खैरागढ़ के 36 पुलिसकर्मियों को मिला दीपावली का तोहफा। 36 आरक्षकों को प्रधान आरक्षकों के पद पर प्रमोशन दिया गया। प्रधान आरक्षक ने सभी आरक्षकों को पदोन्नति की बधाई भी दी। बलरामपुर जिले में आगामी नगरीय और पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए हेरफेर। सचिव और दो पंचों के घर पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगा। जिला पंचायत शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महासमुंद नेशनल हाईवे के किनारे हुई हत्या का खुलासा। हत्या करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। बीमा राशि पाने के लिए आरोपी ने अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। अपने आप को मृत घोषित करना चाहता था आरोपी। बुधनी उपचुनाव पर त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अर्जुन आर्य को जनसत्ता पार्टी ने दिया समर्थन। पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। दिवाली की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि की कामना की।